हेलो जी नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं एग्री न्यूज़ हिंदी। मैं आज आया हूं विष्णु शंकर पटेल जी के यहां। इन्होंने जो है धनिया का क्रॉप काफ़ी अच्छे तरीके से ले रहे हैं। क्या है खास उसके बारे में जानते हैं। शॉर्ट टर्म क्रॉप है, अभी महीने भर में लगभग रेडी हो जाता है। क्या क्या प्रिपरेशन रहती है, कैसा वो करते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करते हैं। विष्णु शंकर पटेल जी, तो सर जी आप हमें थोड़ा बताइए कि ये जो धनिया का क्रॉप है कितने दिन में रेडी हो जाता है और मतलब क्या क्या इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं विष्णु शंकर पटेल और ये धनिया का क्रॉप लिया हुआ हूँ अभी। तो इसको लगाने के पहले मैंने खेत की जोताई की थी और जोताई करने के बाद मैं इसको इस तरह से बेड बनाया और धनिया बीज का बुवाई करने के बाद मैं अपने पास में अगर गोबर का खाद रहता है तो गोबर का खाद डाल देते हैं। अगर गोबर खाद टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो रासायनिक खाद डाल देते हैं। उस दिन मैंने डीएपी को डाला था और पोटाश मिलाया था उसमें। तो सर पर एकड़ का क्या डोज आप रखते हो, मतलब जैसे डीएपी पोटाश आप देते हो तो? एक एकड़ में एक कुंटल डीएपी और उसके साथ में 25 किलो पोटाश। अच्छा, और ये जो आपने बेड जो बनाया है सर, इसको आपने ट्रैक्टर में या फिर हाथ के माध्यम से? इसको पहले ट्रैक्टर में जोताई किए थे। अच्छा। और जोताई करने के बाद में इसके लिए बेड बनाने के लिए दो साधन है। एक तो ट्रैक्टर में अभी के उसमें बना हुआ है, दो फोड़े की तरह बना रहता है, अटैचमेंट जो उसमें लगता है। उसमें फिर उसको ट्रैक्टर से ऐसे सीधा चला देना है। तो ये जो बेड बना हुआ है, ये बेड जो बना हुआ है, इसमें जो गड्ढा पड़ रहा है ये गड्ढा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये जो धनिया की क्रॉप है इसमें बेड बनाना जरूरी है या फिर हम लोग समतल खेत में भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपका जो ये क्या है? अगर समतल खेती में करेंगे तो इसमें जब पानी चलाएंगे तो उस समय जो पानी चलेगा वो पौधा में जाएगा धनिया के। अच्छा, मतलब पौधे को हिला देगा। पौधे में जाएगा और जब पौधे के ऊपर जाएगा तो उसका ग्रोथ रुकता है धनिया का। अच्छा, मतलब हल्का जो पीला पड़े हुए नजर आता है ये सब आएगा। हाँ, और उसके बाद ये धनिया जो ग्रोथ करता है वो रुकेगा। अच्छा, लेकिन अगर बेड बना देते हैं तो पानी ये इसमें जाएगा, नाली में जाएगा, बीचों बीच में। हाँ, बीचों बीच में जाएगा और अपने आप चढ़ जाएगा। तो सर ये जो बेड जो आपकी खेत अभी दिख रही है, आप कितने बार इसमें मतलब हर बार बेड बनाते हो कि नया नया, कि मतलब एक ही बेड को आप बार बार? एक बेड बना के दो बार इसमें फसल ले सकते हैं। अच्छा, दो बार? हाँ, एक बार बेड बना दीजिए उसमें धनिया का बुवाई कर दीजिए, जब वो तैयार हो जाएगा उसको खींच के बेच दीजिए, फिर उसको फौड़ा से चला दीजिए थोड़ा सा हल्का हल्का। अच्छा। और फिर धनिया बुवाई कर दीजिए। और सर ये जो कुछ पलारी इसमें दिख रहे हैं ये भी आपको देना पड़ता है क्या? ये देना है, ये जैसे धनिया बुवाई के बाद में अगर इसको डाल देते हैं अच्छा तो इसमें घास नहीं उगता है। हाँ, पहला काम, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि धनिया के पौधा को ये मजबूती प्रदान करता है। अच्छा, मतलब हिलने से उसको रोकता है, हिलने से रोकता है और जड़ में विकास होता है। मतलब बीज कितना लग सकता है, क्या समय के साथ बीज भी की मात्रा बदलती रहती है? अभी ना जैसे अब लग रहा है नवंबर 15 तारीख लगभग आने को है। हाँ। तो नवंबर के अभी दूसरे सप्ताह में कोई किसान लगाना चाहे तो उसको कितना बीज की जरूरत पड़ेगी पर एकड़ के हिसाब से? उसको 8 किलो से 10 किलो अभी जरूरत पड़ेगी नवंबर वाले में। हाँ, नवंबर वाला में, नवंबर दिसंबर में लगभग 8 से 10 किलो लगेगा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और जिस बीज को हम बुवाई करेंगे वो 100% जर्मिनेशन आ जाता है लगभग। तो अगर ना जैसे कोई दिसंबर के बाद अगर बिजाई करना चाहे, जैसे कि जनवरी फरवरी में, तो बीज की मात्रा कम होगी कि या बढ़ेगी? फरवरी, देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी ये ठंड का मौसम है, इसमें लगभग 8 से 10 किलो बोना है। अच्छा, लेकिन जब फरवरी महीना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से वो एक एक किलो बढ़ते जाएगा उसका जो बीज का मात्रा है। और उस समय किसान को 8 से 10 किलो है अभी, तो उस समय 10 से 12 किलो डालना है। और जब पूरा फूल गर्मी आ जाएगा, अच्छा जैसे अप्रैल मई की आप बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून की बात, और जैसे जो किसान की भाषा है एक नौतप्पा आता है, उस समय की अगर धनिया किसान बुवाई करना चाहेगा तो उस समय एक एकड़ में 16 किलो डालना है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि सर बता रहे हैं कि अभी जैसे आप नवंबर से जनवरी तक बुवाई करते हैं तो पर एकड़ आपको 8 से 9 केजी की बीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है तो मतलब नौतप्पा टाइम, मतलब अप्रैल मई की अगर ये बात कर रहे हैं तो लगभग 16 केजी भी हो सकता है, मतलब जस्ट डबल हो जाता है। तो ये तो हो गई सर की प्रिपरेशन की बात। तो पर एकड़ अभी जो आपका जो मेरे में जो क्रॉप देख रहा हूँ ये पर एकड़ अभी के टाइम में नवंबर से जनवरी के बीच में पर एकड़ कितना कुंटल निकलता है ये जो धनिया की पत्ती? ये पर एकड़ में लगभग 30 से 40 कुंटल तक देता है। ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा से सब कुछ हो जाएगा, अच्छा से जब निकल जाता है, सब कुछ सही होता है, तो एक एकड़ में 40 कुंटल धनिया निकलता है। 40 कुंटल। और सर अभी कीमत कितना चल रहा है?
अभी 75 रुपया चल रहा है। तो मतलब अगर हम लोग मोटा मोटी 35 क्विंटल भी मानते हैं और अभी जो 75 के रेट में चलता है तो लगभग 2.5 लाख सर पर एकड़। हाँ ये तो है, और रेट का नीचे ऊपर होते रहता है। पिछले बार क्या है, जैसे अभी 2 महीना पहले की बात है, 2 महीना पहले 230 रुपया केजी बिका था धनिया, तब तो सर 4-5 लाख। हाँ वो आगे पीछे होते रहता है, वो सीधी सीधी सी बात है। धनिया का क्या है, मान लिया जाए बोल रहा हूँ मैं आपको, आज के डेट में अगर अभी धनिया लगाते हैं और 40 क्विंटल होता है, उसको अगर 25 रुपया किलो भी अगर बेचते हैं तो कैलकुलेशन निकालेंगे तो दूसरे फसल की अपेक्षा। अच्छा। क्योंकि अभी 35-40 दिन में धनिया आप जिस दिन बुवाई करेंगे 35-40 दिन में हार्वेस्टिंग मतलब हो जाएगा। आपके कहने के मतलब 2 माह में पूरा कम्प्लीटली बीजाई से लेकर कटाई तक, साल भर में आप कभी भी धनिया लगाइए 2 माह में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो सर इसके खिंचाई का क्या रेट पड़ता है पर केजी? ये आपके गांव के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर किस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से। तो इसमें क्या है, एक एवरेजन अपने गांव के एरिया में ये खींचने का जो लेबर का जो चार्ज है वो 1 केजी में 4 रुपया है। अच्छा 1 केजी में 4 रुपया, 1 केजी में 4 रुपया है। अच्छा और कितना खींच लेता है सर मिनिमम, मतलब एक लेबर? एक लेबर आता है तो अभी 70 केजी खींचता है अकेला। हाँ एक आदमी, कमाल है सर, तब तो काफी लेबर को भी काफी अच्छा फायदा हो रहा है। हाँ, वो तो 250 से 300 तक लेबर को मिल जाता है दिन भर का, अगर किलो हिसाब से हम लोग उसको काउंट करें तो। हाँ, किलो हिसाब तो सर टोटल 1 एकड़ में एक नया किसान अगर करना चाहे तो बीज के साथ कितना खर्चा हो सकता है अनुमानित आपके हिसाब से? ये देखिए ये किसान के ऊपर है, उसमें उसका ट्रैक्टर किराया करेगा या घर से डालेगा तो डीजल जुड़ेगा कि किस हिसाब से जुड़ेगा। तो इसको अगर एवरेजन निकालेंगे बीज का तो फिक्स है सर, बीज का तो आपको खरीदना है जैसे मार्केट से। हाँ कितना रुपए केजी पड़ जाता है ये 400 मान लीजिए, मतलब 400 रुपए केजी, तो आपने बोला कि 8 केजी लगभग है ना। हाँ, 10 का एवरेज निकाल लीजिए, 10 का एवरेज तो समझो 4000 का, 4000 रुपए का धनिया लग गया, बीज लग गया, और धनिया बीज लग गया, और उसके साथ में 1 क्विंटल डीएपी लगेगा तो 1300 जोड़ दे। हाँ 1300 2600 रुपए ये जोड़ दीजिए, 4 2 6 मतलब 6500। हाँ ये 6500 हो गया, उसमें 25 किलो पोटास जोड़ दीजिए तो ये उसका लगभग 500 रुपए जोड़ देते हैं, 7000 मान लें। हाँ, ये 7000 हो गया। हाँ, और उसके बाद में इसमें पेंडा मेथालिन डालना पड़ता है। एक एकड़ में कितना, 1 लीटर? 1 एकड़ में 1 लीटर तो वो कितना पड़ जाएगा वो 400 रुपया उसको मान लीजिए, है ना, ये एवरेज है 400 रुपया उसको मान लीजिए। तो सर मोटा मोटी अगर हम लोग बोले जो जैसे बेड ट्रैक्टर में बनवाते हैं सारा चीज 10000 में कंप्लीट 1 एकड़ का, मोटा हिसाब 15000। अच्छा मतलब 15000 एक एकड़ का खर्चा, क्या है कि बाद में इसमें दवा डालना रहता है फिर खिंचाई का सबका अगर जोड़ देते हैं तो 1 एकड़ में धनिया में 15000 का खर्चा बैठता है। अच्छा। तो मतलब सर जैसे कि अभी आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपका 1 एकड़ का ये जो है 2.5 लाख रुपए होगा और आपने सिर्फ 15000 इसमें खर्चा किया। अच्छा ठीक है सर, तो मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला क्रॉप इसको आप बोल सकते हो। मैंने धरती में जितना भी क्रॉप होता है तो एक अगर एवरेजन अगर धनिया किसान को साथ दे देता है, क्या कि इसमें कभी कभी विल्ट आ जाते हैं। अच्छा ये जो आप दिखा रहे थे, हाँ ये अच्छा यही एक प्रॉब्लम आती है। हाँ ये एक प्रॉब्लम आती है, तो इसमें क्या होता है जड़ जो है इसके गलने, इसके जड़ गलने लगते हैं और ये शिकायत आती है और ये फिर धनिया खत्म हो जाता है। अच्छा तो ये तो, एक नुकसान का, हाँ, ये एक नुकसान का चांस रहता है। लेकिन फिर भी किसान को ये इतने जल्दी नहीं आता है, ये बाद में थोड़ा आता है, लेट अच्छा, में आता है, लेट में। तो अगर ये आपको खेत में अगर दिख भी गया तो आपने 1 एकड़ का धनिया का अगर आप लिया तो उसमें आपको टोटल 15000 खर्चा आया, ये जब शिकायत दिखा तो आप धनिया को खींच के बेच दीजिए। अच्छा तो भी आपका 15000 तो वापस आना है, मैंने आना है, इसमें मैंने दिक्कत नहीं है, 15000 आएगा ही आएगा, किसान को इतना मिल जाएगा। और अधिकतम के लिए क्या है वो रेट के ऊपर डिपेंड है। तो सर मतलब अगर एक किसान लगाता है तो कितने मतलब कम से कम कितने केजी भी बिक जाए तो उसको एक प्रॉफिट में रहे, कितने रुपए केजी तक अगर बिक जाए तो भी वो प्रॉफिट ही वो फील करेगा, 10-15-20 रुपए से कितना मतलब 20 रुपया से ऊपर जितना भी बिका। अच्छा। वो किसान के पॉकेट में जाएगा। अच्छा पूरा 100% वो पॉकेट में जाएगा, 20 से ऊपर अगर बिका। अच्छा तो सब पैसा उसके पॉकेट में जाएगा। तो सर जैसे कि अब भी बता रहे हैं कि ये सीजन में सबसे टॉप 220 गया था। हाँ 220 गया था। अच्छा 220 रुपए तक गया था और अभी जो है 75 रुपए है, तो आपका ये धनिया कितने दिन में खींचाएगा सर? अभी ये 1 हफ्ता में खींचा जाएगा। अच्छा 1 हफ्ता में, तो सर अभी ये कितना दिन होगा बीजाई से लेके अभी तक मैं गिनूं तो कितना दिन का होगा ये? आज 15 तारीख है। अच्छा तो उस हिसाब से इसको गिनेंगे तो पिछले इसको 21 तारीख को लगाए थे इसको। अच्छा 21 तारीख को लगाए थे तो अभी सर कितना हो गया? वो अभी 15 और पिछला 21 मतलब 9
तो ये 24 दिन हो गया। 24 दिन मतलब मोटा मोटी 30 दिन में आप इसको निकाल दोगे। 30 दिन में इसको निकाल देंगे। अच्छा 30 दिन में आप इसको निकाल लोगे। तो और सर कुछ और नया किसान के लिए कुछ सावधानी आपको लगता है कुछ होनी चाहिए, मतलब उसके पास पलारी होनी चाहिए ढकने के लिए इसको? हाँ ये पलारी होनी चाहिए ढकने के लिए। अच्छा और बेड बनाना चाहिए? हाँ बेड बनाना है, मतलब बेड बनाना है। खेत की जुताई करना है, खेत की जुताई करने के बाद में बेड बनाना है, बेड बनाने के बाद धनिया को बुवाई करना है, धनिया बुने के बाद में पलारी देना है, उसके ऊपर में पेंडामेथालिनी स्प्रे कर देना, बस हो गया। और पानी जब भी डालेंगे तो उस समय पानी डालने के वक्त बेट के ऊपर में पानी न जाए। अच्छा मतलब पूरा एकदम नाली में ही भरा रहे। नाली में भरा रहे। अच्छा ऊपर नहीं नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और कुछ कीट वगैरह सर जो आपको लगता वो है? हल्का फुल्का कीट लगते रहता है। ये तो 30 दिन में रेडी हो जाता है तो कोई विशेष कीट नहीं आता होगा? उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है, आया भी तो हल्का फुल्का कीटनाशक स्प्रे कर देने से वो सब हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है। मतलब सर ने बताया कि इसमें सिर्फ विल्ट एक समस्या हो सकती है, कभी कभी आती है, और ऑन एन एवरेज जैसे कि आपने सर को सुना पूरी तरीके से ये जो है धनिया का क्रॉप लेते हैं। सर आप कितने साल से लेते आ रहे हो? ये लगभग 6-7 साल हो गया। अच्छा 6-7 साल से सर लेते आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्रॉप है और एवरेज हर किसान को ये लगानी चाहिए। तो फिलहाल आज के जो धनिया वाला हमारा जो वीडियो था इसको हम आज बंद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और आने वाले टाइम पे हम और भी ऐसे क्रॉप को कवर करते जाएंगे। और क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, अगर आपने भी धनिया का क्रॉप कभी लिया है तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।